ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वानहं अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्रहा मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजऋषियो विदुः सकालनेह महता युगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया त्यद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच, अपरं भवतु जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात इस सृष्टि के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने सृष्टि के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाच, बहुनी में वेदितानि जन्मानि तवाचार्जुन तान्यहं वेदः सर्वाणि न तुम वेद्धा परंतपा। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ। अजोपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे
दिव्यमेव युवेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा, अजा अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति और परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। वीतरागा भय क्रोधा मनमया मामुपाशितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित, मेरे सहारे रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथामाम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमवयम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिहा इति माम यो भी जानाति कर्माभिर्ना स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्प्रहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं जात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी
इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मा किम कर्मेति कव्योपत्र मोहिताः तत्ते कर्मा प्रवक्ष्यामि यज्जात्मा मोक्षेषे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, गहरी है। कर्मण्य कर्मा यः पश्येदा कर्मणि च कर्मा यः सः बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्ना कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता जान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म जान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आशय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभा संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के ही अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गतासंगस्य मुक्तस्य जानवस्थित चेतसाः यज्ञायाचरतः कर्म
समग्रं प्राविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेनागन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमिवा परियज्ञम् योगिनः पर्युपासते। ब्रह्म अग्नाव परियज्ञम् यज्ञै नैव उपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान के द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। श्रोतादीनी इंद्रियाण्यन्ये संयमा अग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमा योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशिता व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानम तथा परे प्राणापाना गति रुद्वा प्राणायाम परायणः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येति यज्ञविदो यज्ञशपिता कल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायणा पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही
ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टा अमृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायम लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमः। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मा जान विद्धि तान सर्वान्नैवं जात्वा विमोक्षये से। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार से तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञान यज्ञः परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते जानम जानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वाना पुनर्मोहमेवं यस्यसि पांडवा येन भूतान्याशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा।